খাবারের একটা ব্যবস্থা থাকলে মানে আরো ভালো, ব্যাটারি চার্জ দেওয়াটা খুবই জরুরি, ওয়াইফাই পাচ্ছে সেখানে, কন্টিনিউয়াসলি ফোন ঘাটতে থাকে, তুমি বেশি করো এরকম। স্বাগতম সবাইকে বিচ রিঅ্যাকশনে, আমরা হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের সঙ্গে আরেকটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আর আজকে আমরা যে ভিডিওটি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব সেটি হচ্ছে একটি ট্রাভেলের ভিডিও। আমরা আজকে যে ট্রাভেলের ভিডিও দেখব সেই ভিডিওটির টাইটেল হচ্ছে ক্যাপসুল হোটেল ইনসাইড এ বাস, ইন্টারসিটি স্মার্ট বাস। আর এই ভিডিওটি নিয়েছি আমরা ট্রাভেল ব্লগারের চ্যানেল ইন্ডিয়ান ব্যাকপ্যাকারস। তো আমার মনে হচ্ছে টাইটেল দেখে যেটা বোঝা যাচ্ছে এটা কোনো হোটেলের কোনো বাস হবে এবং খুব লাক্সারিয়াস কোনো একটা বাস হবে, যেটা শহরের মধ্যে দিয়ে হয়তো এক শহর থেকে আরেক শহরে যায়, তো হয়তো সার্ভিসটা আরও ভালো হবে, সে কারণে উনি ভিডিওটি করেছে। তো চলুন সবাই মিলে আমরা ভিডিওটি দেখে আসি। बस देख रहे हो इसके अंदर पूरा एक कैप्सूल होटल बसा हुआ है जिसमें वाईफाई, स्लीपर बेड, जीपीएस, सीसीटीवी कैमरा, टॉयलेट सब कुछ। टॉयलेट तो नहीं यकीन हो रहा ना, चलो फटाफट से दिखाता हूँ अंदर जाके। এটা দেখি নাই কখনো। গুরুগ্রাম ওখান থেকে ছাড়ে। तो यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 5 फरवरी 2019, अभी शाम 4 बज रहे हैं और मैं इस टाइम गुड़गांव में हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो यार ये सिंगापुर जाने वाला था, सिंगापुर की सीरीज स्टार्ट होने वाली थी, तो पहली बात मैं माफी चाहूंगा, अगली वीडियो जो आएगी वो सिंगापुर सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दो बहुत कमाल की चीजें बताना चाहता हूँ या दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं नए कैमरा गियर्स या फिर माइक वाइक लेने वाला हूँ, और दूसरी चीज है सबसे बढ़िया इंडिया की फर्स्ट स्मार्ट बसेस, जो फास्टेस्ट बाय रेल यात्री। तो भाई साहब ये कोई बस नहीं है, बस के अंदर इन्होंने पूरा होटल, टॉयलेट। अच्छा, तार माने होटलेर बस ना, एटा एकटा बस जेटा होटेलेर मतो का। सेफ्टी वाइज भी एक नंबर की बस है, तो इसका मैं आपको पूरा रिव्यू देने वाला हूं। बस के अंदर ही भाई साहब कैप्सूल होटल टाइप का बना हुआ है, भाई साहब कमाल की बस है। कौन कौन से रूट पे चलती है, कितने की टिकट है, कैसे बुक कर सकते हो, वो सब बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। लेकिन अभी मुझे फटाफट से निकलना है चांदनी चौक के लिए, क्योंकि दोनों ही काम वहीं से होंगे, कैमरा का भी और इस बस का रिव्यू भी। तो कैब बुक कर दी है, फटाफट से निकल। कैब रेडी कर सकते हैं। तो अभी शाम के 4:30 हुए हैं और मैं गुड़गांव से चांदनी चौक जा रहा हूँ, तो वहाँ से मुझे कुछ कैमरा और माइक वगैरह लेना है, और एक और काम है वो बस का रिव्यू जो मैंने आपको बताया था। तो मेरे साथ यहाँ पर मयंक भी जाने वाला था, लेकिन अभी मयंक ने गोली दे दिया है, वो कह रहा है कि उसे ऑफिस में कुछ काम है तो इसलिए वो आ नहीं पाएगा, इसलिए अभी मैं अकेला जा रहा हूँ, वहाँ पर कैमरा लेता हूँ और फिर वो बस का दिखाता हूँ आपको। तो अभी रात के 9:20 मैं खड़ा हूँ लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 के बाहर, और यहाँ से वो स्मार्ट बस चलती है रात को 11 बजे। तो 11 बजे यहाँ से चलने का टाइम है, लेकिन 9:30 तक यहाँ पर बस आ जाती है। बाकी बस के अंदर दोनों ऑप्शन आपके पास, सिटिंग का भी एंड स्लीपर का भी, तो मैं आपको पूरा टूर दे दूंगा, उस हिसाब से आप बुकिंग करवा सकते हो। तो मेरे पीछे देख सकते हो बस जो है वो आ चुकी है, और अभी अभी मुझे पता चला, जैसे बस मान लो यहाँ से 11 बजे निकल रही है, तो लगभग 1 घंटे पहले आती है यहाँ पर, तो 10 बजे आई है अभी पूरे। तो पैसेंजर्स के पास पूरा 1 घंटा होता है आराम से बोर्ड करने का, अपना बैग वैग पीछे रखवाने का। तो फटाफट से बस के अंदर चलते हैं, दिखाता हूँ अंदर का पूरा इंटीरियर वगैरह और टॉयलेट्स वगैरह किस तरह से बस में है। बस में एंटर करते ही फर्स्ट इंप्रेशन बहुत बढ़िया था, एक गजब की खुशबू आ रही थी। वही नॉर्मल बसेस की तरह सामने की साइड आपको ड्राइवर की सीट मिल जाती है, उसी के साथ में मिल जाता है एक टॉयलेट। अगर आपको याद होगा मैंने अपनी इजिप्ट वाले ब्लॉग में एक बस में ट्रेवल किया था, उसमें टॉयलेट्स थे, तो मैंने उस वीडियो में बोला था कि काश इंडिया में भी ऐसी बसेस चलती है जिसमें टॉयलेट्स होते हैं, एटलीस्ट एटा अच्छे रास्ता होने दूर तो जानते हैं टॉयलेट भी है, उसी के साथ जहाँ पे स्लीपर्स बेड भी लगे हुए और साथ ही साथ सीट भी है। तो आगे की साइड कुछ सिटिंग सीट्स हैं, सीट्स काफी ज्यादा कंफर्टेबल थी, नीट एंड क्लीन थी, बाकी इसमें आपको एक्स्ट्रा लेग रूम मिलता तो मस्त पैर फैला के बैठो आराम से। ऊपर सीलिंग में यहाँ पर लाइट मिल जाती है, ऑन ऑफ कर सकते हो जिसे आप रीडिंग के लिए, उसी के साथ साथ एसी वेंट्स मिल जाते हैं। ये पूरी बस एयर कंडीशन है, और सबसे अच्छी चीज सीट के साइड में आपको मोबाइल सब कुछ चार्ज कर सकते हो, जो की बहुत बढ़िया चीज है। बाकी स्लीपर बेड्स की बात करें तो आपको हर एक साइड में ऊपर नीचे बेड्स मिल जाते हैं, लेफ्ट साइड में डबल बेड्स लगे हुए, ऊपर भी डबल बेड नीचे भी, तो अगर आप अपनी वाइफ के साथ जा रहे हो तो आप डबल बेड बुक कर सकते हो, या दोस्त के साथ जा रहे हो, अगर आप सोलो जा रहे हो मेरी तरह जैसे कि मैं जाता हूँ, तो आप राइट वाली सीट चूज कर सकते हो, जहाँ पर आपको सिंगल बेड मिलेगा और नीचे भी सिंगल बेड मिलेगा। तो अभी तक मैं डबल स्लीपर वाली सीट में बैठा हुआ हूँ, तो काइंड ऑफ डबल बेड लगा हुआ है यहाँ पे, 2 पिलो है, 2 ब्लैंकेट दे रखे हैं, यहाँ पे जो सॉकेट है आप देख सकते हो, ये
तो ये भी डबल दे रखे हैं। और एक चीज मुझे टेस्ट करनी है, जैसे कुछ एयरक्राफ्ट में बसेज में खाली यूएसबी पोर्ट दिए होते हैं, तो यूएसबी पोर्ट में आपको आउटपुट कभी बहुत कम मिलता है, जिससे कि आपके डिवाइसेस कम मतलब बहुत स्लो चार्ज होते हैं। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर सॉकेट मिलेंगे। तो मैं चार्ज करके दिखाता हूँ कितना स्पीड से चार्ज कर देगा ये। इसके अलावा सॉकेट्स का जो फायदा यूएसबी स्लॉट्स के ऊपर, वो ये है कि आप अपना लैपटॉप वगैरह भी चार्ज कर सकते हो, खाली मोबाइल मतलब ऑप्शन नहीं रह जाएगा आपको यूएसबी के थ्रू। बाकी ऊपर सीलिंग में वही सेम लाइट्स मिल जाएगी, एसी वेंट्स मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी चीज मुझे लगी यहाँ पर विंडो, तो भाई आप मस्त लेटे लेटे नज़ारा देख सकते हो। रात को तो इतना नज़ारा नहीं दिखेगा, लेकिन दिन में जरूर देख सकते हो। और साथ ही साथ इसमें आपको आपकी सेफ्टी के लिए एक डोर भी मिलता है, और उसी के आगे आपकी प्राइवेसी के लिए एक कर्टेन। दोनों चीजें लगाना चाहो लगा सकते हो, जैसे मेरे कैप्सूल होस्टल में था। बाकी इन बसेस को स्मार्ट बसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो आपको टॉयलेट मिल जाता है अंदर, वाईफाई मिल जाता है, जीपीएस मिल जाता है, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए, ताकि आपकी पूरी सेफ्टी रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बस के कैप्टन से मिलाता हूँ, वो आपको जीपीएस रिलेटेड की कैसे आप घर बैठे बैठे बस को ट्रैक कर सकते हो। तो बस में यहाँ पर ये बस के कैप्टन है, क्या नाम है आपका भैया? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार, तो भैया सबसे पहले तो ये बताओ, जो इस बस की सेफ्टी को लेकर काफी ज्यादा एडवर्टीजमेंट की जा रही है कि बस में जीपीएस दे रखा है, तो उसका क्या फंडा है? कोई ट्रैक करना हो किसी को घर बैठे बैठे कि बस इस वक्त कहाँ पर है, तो वो कैसे कर सकते हैं? सर ट्रैकिंग बहुत आसान है, फॉर ट्रैक नाम की ऐप है, इसमें आप बस नंबर डालिए, सिंपल सा है। बस नंबर डालने के बाद आप सर्च करें विकल्प पर जाकर, आपको बस लोकेशन मिल जाएगी जो भी करंट तो बस नंबर तो टिकट में दे रखा होगा। बस नंबर आपको टिकट में मिलेगी, पूरी जानकारी मिलेगी, उस हिसाब से कि आप घर बैठे बैठे ट्रैक कर सकते हो उस एप्लीकेशन की मदद से। बाकी इसके अलावा सेफ्टी की बात करें तो ड्राइवर की सीट के वहाँ पे भी 2-3 सीसीटीवी कैमरास लग रहे हैं, और पीछे जहाँ पे सीट्स एंड स्लीपर बेड्स है वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा लग रहे हैं, उसी के साथ एक क्लॉक भी लग रही है। तो सेफ्टी वाइज भी बस काफी ज्यादा सेफ है कैमरास की वजह से। अभी मेरे साथ इस बस के यहाँ पे ड्राइवर बैठे, क्या नाम है सर आपका? बलविंदर सिंह। बलविंदर सिंह, तो पहले आप मेरे को ये बताओ, मैंने यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा तो देख लिए, इस सीट के यहाँ भी लगे हुए हैं और पीछे पैसेंजर वाली सीट पे भी लगे हैं, तो सेफ्टी वाइज तो काफ़ी ज़्यादा मतलब फैसिलिटीज है। अब ये बताओ, जो इस बस में वाईफाई चल रहा है उसका मेन राउटर कहाँ पे लगा हुआ है? सर पूरे लगा रखा है, राउटर तो सामने है। अच्छा, तो इस बॉक्स के अंदर वाईफाई का राउटर है और यहाँ से रेंज पहुँच जाती है पूरी? हाँ। तो ठीक है, फिर मैं लास्ट सीट में जाता हूँ और चेक करता हूँ वाईफाई की स्पीड कैसी आ रही है, क्योंकि जो राउटर लगा हुआ है वो आगे लगा हुआ है, तो लास्ट तक जो पैसेंजर्स होंगे उनके पास सिग्नल ढंग से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो अभी मैं बस के सबसे लास्ट वाले बेड पर आ चुका हूँ और यहाँ पे भी सिग्नल काफी अच्छे आ रहे हैं, जो एवरेज डाउनलोड स्पीड है वो आराम से वाईफाई की 3-4 Mbps मिल रही है, और अपलोड स्पीड की 0.76 Mbps बस के हिसाब से काफी अच्छी स्पीड है। मैंने यूट्यूब चला के देखा तो 1080p में कोई भी वीडियो बफर नहीं कर रही थी बिल्कुल भी, आराम से स्मूथली चल रही थी। मस्त आप बस में यूट्यूब के मजे करते हुए जा सकते हो पूरे। तो अब बस के अंदर आप चाहे जो नॉर्मल सिटिंग बस सीट्स होती है वो करवाओ या फिर स्लीपर कोच करवाओ, तो आपको ये पानी की बोतल मिलेगी और साथ ही साथ स्नैक्स भी मिलते हैं, स्नैक्स में वो बिस्किट्स एंड चिप्स वगैरह मिलते हैं। और इसके अलावा अगर मैं स्टाफ की बात करूँ, तो यार मैंने जितने भी बार ट्रैवल किया बसेस में, स्टाफ जनरली काफी ज्यादा रूड होता है बसेस का, लेकिन इस बस का स्टाफ काफी ज्यादा प्रोफेशनल एंड पोलाइट था। आपका जो बैग वैग है वो रखने में मदद करेंगे, पूरा का पूरा स्टाफ यूनिफॉर्म में होता है यहाँ पे, काफी ज्यादा प्रोफेशनल है, आपको पूरे वाटर बोतल देते हैं, ब्लैंकेट वगैरह देते हैं, मतलब आपको जो भी मदद चाहिए वो सब आपके लिए करके देंगे। तो स्टाफ एंड सेफ्टी के मामले में भी मैं इंटरसिटी स्मार्ट बसेस बाय रेल यात्री को 10 out of 10 दूंगा। इसके अलावा जो बसेज होती है वो ऑन टाइम होती है, बिल्कुल टाइम से निकलेगी और टाइम से पहुंचाएगी आपको, ज्यादा लेट वेट नहीं होती है। अब इसके बाद मैं इन बसेस के रूट्स के बारे में बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे ये बसेस चलती है, इसके अलावा टाइमिंग क्या है और टिकट्स आप कैसे बुक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है, उस लिंक से आपकी इंटरसिटी बाय रेल यात्री .in की वेबसाइट खुल जाएगी। फॉर्म में लिखना है ऑनलाइन जा रहे हो, जैसे दिल्ली से मान लो, टू में लिखना है जहाँ भी जा रहे हो, मान लो अमृतसर जाना है आपने, इसके बाद डेट सेलेक्ट कर लो, 12 फरवरी लगा लेते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर लो एसी लग्जरी और स्लीपर भी चाहिए तो आपको, और फिर कर दो सर्च पर क्लिक। यहाँ पे देख सकते हो आप 3 इंटरसिटी स्मार्ट बस बाय रेल यात्री की बसेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तीनों ही एसी लग्जरी बसेज है, सिटिंग वाली सीट्स भी है और स्लीपर वाली सीट्स भी है। बाकी आपके घर से जो भी नियरेस्ट बोर्डिंग लोकेशन पड़ रही है आप वो सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी बस आपके टाइम के हिसाब से सूट करती है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है ऑन टाइम परफॉर्मेंस है, फ्लेक्सी टिकट्स है, इसका मतलब ये अगर आपकी ट्रिप कैंसिल हो जाती है तो आप टिकट्स को कैंसिल भी करवा सकते हो या फिर डेट्स को मॉडिफाई करवा सकते हो लास्ट आवर में भी। इसके अलावा सेफ्टी तो मैंने आपको बता ही दिया, जीपीएस सीसीटीवी ट्रैकिंग सब लगी हुई है। अब आपको करना है सेलेक्ट सीट्स पर क्लिक, उसके बाद चूज करना है स्लीपर में। देखो ये सिंगल बेड है, ये डबल बेड है, तो सिंगल बेड की अगर आप
टिकट देखो तो 755 रुपीस है। उसके बाद आपको कंटिन्यू बुकिंग पे क्लिक करना है, यहां पे 755 अमृतसर चल रही है सब कुछ। उसके बाद इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी आपके पास। अब यहां पे प्रोमो कोड में आपको यूज करना है अनमोल, उसके बाद करना है अप्लाई पे क्लिक। तो इनकी फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी पे आपको 200 रुपए का सीधा इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। अब 200 रुपए डिस्काउंट होकर 589 की हो गई है। इसके बाद नॉर्मली प्रोसीड टू पेमेंट पे करना है, पेमेंट कर दो वही नॉर्मल जैसे आप दूसरी वेबसाइट से करते हो। और इसके अलावा ये बस सिर्फ दिल्ली से नहीं चलती, काफी सारी सिटीज से चलती है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ऊपर से इनके रूट्स भी काफी लोकेशन पे है, यहाँ पे आप डाल सकते हो जहाँ भी जाना है, मनाली वगैरह हर जगह पे बसें। तो आप एक बार वेबसाइट जहाँ भी जाना चाहते हो उसकी बुकिंग कर सकते हो। तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप बुकिंग कर सकते हो। बाकी कूपन कोड यूज करना मत भूलना, वरना आपके मार्केटिंग बताऊँ तो मुझे इंडिया में बसेस में ट्रेवल करना इतना ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन जब से ये मैंने इंटरसिटी स्मार्ट बसेस बाय रेल यात्री देखी है तब से मुझे अच्छा फील हो रहा है कि हाँ मतलब मैं बसेस में भी ट्रैवल कर सकता हूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपने कभी इस तरह की बसेस में पहले ट्रैवल किया है, नहीं किया तो क्या आप जल्दी से जल्दी ट्रिप बनाने की सोच रहे हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यार फिर से सॉरी बोलना चाहूंगा, नेक्स्ट वीडियो पक्का सिंगापुर की आ रही है, 4-5 ही वीडियो सिंगापुर वीडियो आ जाएगी फेब के लास्ट में ही, काफी कंटेंट आने वाला है, सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लो, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि जब मैं 21st फेब को ट्रिप पे जाऊंगा तो भैया पहले ही इंस्टाग्राम पे अपडेट दे दूंगा, तो इंस्टाग्राम पे आना मत भूलना बिल्कुल भी। बाकी इस वीडियो को लेकर नहीं था यार, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज पीके रास्ते पे नहीं पड़ना। जय हो, अनेक सुंदर একটা বাসের সিস্টেম ছিল, হ্যাঁ বাসের সিস্টেমটা খুবই সুন্দর, খুবই চমৎকার। আমি কখনো টয়লেট সহ কোনো বাসে আজ পর্যন্ত ট্রাভেল করিনি, সো আমার জানা নাই। আর যেহেতু এটাতে আছে অনেক লং জার্নির জন্য আর মেয়েদের প্রবলেম তো একটু বেশি হয়, সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হচ্ছে অনেক সেফটি এই ব্যাপারটা, যে না একটা টয়লেট আছে এখানে, মানে চিন্তা থাকে না যে অনেকে রাস্তায় বাস দাঁড় করে কোথাও যাওয়া জায়গা খুঁজে বের করা, এগুলো অনেক মানে একটা ঝামেলাপূর্ণ একটা ব্যাপার। আর অনেক সময় মেয়েরা কিন্তু লজ্জা পায় এটা বলতেও যে বাস থামে যাবে কোথাও, এটা বলাটাও একটা ঝামেলা। তো সেই কারণে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা অনেক অনেক পারফেক্ট একটা বাস সার্ভিস আর কি। আর যেটা হচ্ছে যে নর্মালি বাস সার্ভিসগুলো যেটা হয় যে লং জার্নিতে যখন যায় তারা 2-3 স্টপে কিছুক্ষণ পর পর দাঁড়ায়, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে যাদের প্রবলেম আছে তাদের জন্য কিন্তু ওয়াশরুমটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ ওই লম্বা গ্যাপটুকুর মধ্যে তার প্রবলেম হয়ে যায়। আর তাছাড়া যেটা হচ্ছে এই পুরো বাসটার মধ্যে কিন্তু একটা হোটেলের মতো সিস্টেম করা হয়ে গেছে, কেউ যদি নাইট জার্নি, আমার কাছে মনে হয় যে এখানে খাবারের একটা ব্যবস্থা থাকলে মানে আরো ভালো হতো। হ্যাঁ খাবারের ব্যবস্থা আছে তো, মানে তোমাকে এটা শুধু স্ন্যাকস আর ইয়া দিবে, কিন্তু ওটা মানে আই মিন চিপস এগুলা থাকবে, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় না যে সেখানে কোনো রেস্টুরেন্ট টাইপের কোনো কিছু না, রেস্টুরেন্ট টাইপের তো কিছু নাই আর এটা থাকা সম্ভব না। আর বাস তো কিছুক্ষণ পর পর দাঁড়াচ্ছে, এমন না যে এখানে আসলে 8-10 ঘন্টা জার্নি, এর থেকে বেশি তো জার্নি হবে না। আর বাসে যে সবচেয়ে ভালো সুবিধা যেটা মনে হচ্ছে হোটেলের মতো টোটাল জায়গাটা করে রেখেছে, এটা কিন্তু খুব সুন্দর, এবং ওখানে মোবাইল চার্জ দেওয়া যাচ্ছে। লং জার্নিতে আসলে দেখা যায় আমরা যখন বাস জার্নি করতে থাকি তখন আমরা কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি ফোন ঘাঁটতে থাকি, তুমি বেশি করো এরকম, তো কী করবো, ঘুম না আসলে তো ফোনে ঘাঁটতে হবে। তাছাড়া অনেক সময় ল্যাপটপে কাজ করা লাগে, তো ওখানে যেহেতু ব্যাট সিস্টেম আছে তো দেখা যায় বসে আরাম করে আসলে ল্যাপটপে অফিসিয়াল কাজগুলো করতে করতে যাওয়া যাবে, এটা একটা জিনিস। আর আমার কাছে মনে হয় যে এরকম জার্নিতে আমার যেটা প্রবলেম হয় পার্সোনালি সেটা হচ্ছে আমি কিন্তু ফোন দেখতে পারি না বেশিক্ষণ, তারপর বই পড়তে পারি না, তো এটা খুবই একটা বিরক্তিকর জিনিস। তারপরও দেখা যাচ্ছে যারা আসলে এগুলোতে অভ্যস্ত সারাক্ষণ মোবাইল নিয়ে খেলছে বা ভিডিও দেখছে বা আসলে বোরিং সময় পাস করার জন্য কিন্তু সময় মানে ব্যাটারি চার্জ দেওয়াটা খুবই জরুরি মোবাইলের। আর ওয়াইফাই সিস্টেমটা এখানে খুব দারুণ, হ্যাঁ ওয়াইফাই সিস্টেমটাও ভালো ছিল, যে সে পিছনে যে কিন্তু দেখাচ্ছিল যে কতটা ওয়াইফাই পাচ্ছে সেখানে, রাউটারটা কিভাবে কাজ করছে, তো এটা আসলে অনেক ভালো একটা বাস মনে করি। আর আশা করি আমাদের দেশে এরকম বাস ভবিষ্যতে আসবে, এবং বাসের সিকিউরিটিটা সবচেয়ে হাই, সিকিউরিটি হ্যাঁ এটা কিন্তু বলতেই হবে, কারণ আসলে অনেকগুলো সিসি ক্যামেরা কিন্তু দেওয়া ছিল, এটা একটা ইস্যু। আরেকটা ইস্যু আমার কাছে মনে হয়েছে যে বাস ট্র্যাকিং এর যে ব্যাপারটা, আসলে পরিবারের অনেকেই কিন্তু ভয় থাকে যে একটা মেয়ে একা একা জার্নি করছে বা ছেলে যেই হোক না কেন, পরিবারের কেউ একজন আছে কোথায় আছে সুস্থ আছে কিনা, অনেক সময় ডিস্টার্ব না করেও হয়তো ট্র্যাকিং করতে পারে যে না ঠিক আছে সে ঠিকভাবে যাচ্ছে আসছে।
তো এটা একটা ভালো দিক আমার কাছে মনে হয় যে না বাসটাকে ট্র্যাকিং করা যাচ্ছে যে কোথায় আছে আমার পরিবারের লোকটা ভালো আছে এরকম। আসলে এটা একটা স্মার্ট বাস সিস্টেম আমার কাছে মনে হয়েছে। তো আমার কাছে ভিডিওটা অনেক ভালো লেগেছে, আশা করি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আপনাদেরও ভিডিওটি ভালো লেগে থাকবে। আর আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে আমাদেরকে অবশ্যই একটা লাইক করবেন এবং আমাদের সঙ্গে বসে আপনারা আর কী কী ধরনের ভিডিও দেখতে চান সেটা অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি।